आपको ये जानकर और सुनकर हैरान तो जरूरी होगी कि मुंह के कैंसर के लिए देश के अंदर राजस्थान तीसरे नंबर पर आते हैं, यानी राजस्थान की 40% जो आबादी है वो मुंह के कैंसर से प्रभावित है। आपको बता दें कि मुंह के कैंसर केवल गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू से ही नहीं होता है, बल्कि लंबे समय तक आपको मुंह में किसी प्रकार का अगर छाला रह जाता है तो वह भी ठीक नहीं होता, तो वो भी धीरे धीरे कैंसर का रूप ले सकता है, जिसके चलते आप मुंह के कैंसर के शिकार हो सकते हैं। राजस्थान के अंदर जब अगर आप गूगल पे जाएं, अगर आप गूगल देखें तो 40% आदमी जो है वो मुंह के कैंसर से पीड़ित हैं। उसका मेन कारण होता है पेशेंट का खुद की आदतें। पेशेंट जो है खुद गलत काम करता है, वो सुपारी खाता है, गुटखे खाता है, पान खाता है और उसे रॉन्ग ब्रश करता है, जिससे दांत साफ करने चाहिए। नॉर्मली दांत साफ करने का तरीका होता है कि आदमी सुबह शाम ब्रश को लाइट ब्रश करे, कुल्ला साफ करे। पर यहाँ पे मैंने जोधपुर में एक चीज़ देखी कि यहाँ पे ब्रश करते हैं, हार्ड ब्रश है काम लेते हैं और उनको जोर जोर से घिसते हैं, जिससे दांत की लेयर्स जो होती है वो शार्प हो जाती है, शार्प मतलब तिक्की हो जाती है। जब आदमी खाना खाता है, खाना खाते समय कभी उसकी जबान बीच में आती है, कभी उसका गाल बीच में आता है। अगर वो इलाज जो जैसे घाव हुआ उसका प्रॉपर इलाज डॉक्टर को दिखाया, इलाज करा लिया, तो वो आदमी ठीक हो सकता है। नहीं तो ये कोई भी छाला है वो किसी भी टाइम जो है आपकी लापरवाही की वजह से ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो कोई भी मुंह के अंदर छाला या सफ़ेद दाग है उसको हल्के से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी छाला अगर लंबे अरसे तक रह जाता है तो उसमें कैंसर की ट्यूमर्स कन्वर्ट होने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। और कोई भी मुंह के अंदर अगर सफ़ेद दाग है तो वो कोई भी दाग है तो उसको भी कन्वर्जन जो है उसे प्री कैंसरस कहते हैं, कैंसर और प्री कैंसरस लीजन कहते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे लीजन आते हैं, तो कोई भी छोटी चीज़ को आप मतलब कोई छोटे छाले को या छोटे दाग को आप हल्के से नहीं ले सकते। तो जितना जल्दी आप इससे रिलेटेड उपचार कराएंगे उतना जल्दी आप हो सकता है बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। राजस्थान तीसरे नंबर पे है देश के कैंसर के, 30% लोगों में, राजस्थान के 30% लोगों में मुँह के कैंसर की समस्या देखी जा सकती है। के मुँह के जीभ में काफ़ी छाले थे, मैं 2-3 डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने चोपड़ा जी इसको आप सीरियसली लीजिए, अदरवाइज आपको कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर मेरे जो फैमिली डॉक्टर है वीडी जोशी साहब, उनसे मैंने संपर्क किया, उन्होंने जो फर्स्ट डे ट्रीटमेंट दिया उससे 50% रिलीफ हो गया और 3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद वो छाले साफ भी हो गए और बाद में समय समय पर जो दवाई उन्होंने एडवाइज़ की हमने ली।